हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक स्लीव डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये है स्लीव। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने आपको स्लीव कटिंग बताया हुआ है पहले भी, पर मैं आपको वीडियो दे दूँगी स्लीव कटिंग की। तो ये लॉन्ग स्लीव है, तो इसकी जो लेंथ है स्लीव की वो तकरीबन 15 इंच है, और जो इसमें हमारा आगे डिज़ाइन लगेगा तो ये 18 इंच लॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए इसको एक साइड रख देते हैं। तो जो डिज़ाइन हम बनाएंगे उसके लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है, जिसकी लेंथ उतनी है जितनी हमारी स्लीव की बॉटम की लेंथ है, और इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। तो इसको शेप दे देंगे सबसे पहले। तो इसको सबसे पहले मैं फोल्ड करूँगी, और इस तरीके से हमें ये शेप लगाना है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये, आप इसको कफ डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, मतलब स्लीव के आगे कफ की तरह लगेगा ये। और जिस कपड़े पे हम इसको लगाने वाले हैं, तो ये कपड़ा लिया है मैंने, इससे बड़ा है लंबाई और चौड़ाई में, तो आप चाहें तो इसको चिपका लें। चिपकाना नहीं चाहते तो आप इसको कच्ची सिलाई लगा लें, ताकि वो सिलाई हम बाद में निकाल भी सकें। तो आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से मैंने ऊपर नीचे कपड़ा छोड़ा हुआ है, और इधर से भी आधा इंच और इधर से भी। तो इसके बीचों बीच पहले मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो हमें एक और कपड़ा लेना है जो कि इस कपड़े के बराबर ही होगा। तो ये कपड़ा लिया है, ये मैं इस तरीके से रखूँगी, ये सीधा है, और ये कपड़ा भी सीधा है, सीधे के ऊपर सीधा आपको इस तरीके से रखना है। और जैसी शेप हमारी बुकरम की हमने काटी है, उसी शेप में जो है हमें अभी सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, पर बुकरम पे नहीं चढ़ानी है हमें वो सिलाई। चलिए सिलाई लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये सिलाई जो हम लगा रहे हैं ये पक्की लगेगी अभी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर इसको शेप में कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है, और यहाँ पर डीप में मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी, सिलाई से बचाना है आपको। और ये गोलाई में भी छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब जो नीचे कपड़ा है उसको हम पलटा लेंगे इस तरीके से। ये कपड़ा पलट जाएगा, इसको मैं प्रेस कर लूँगी अच्छे से। और अगर यहाँ पे आपका इस तरीके से जैसे कोना होता है और यहाँ पे झोल आ जाता है, तो इसको इस तरीके से करना है आपको, तो ये सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है, और इसके साइड से भी फिनिशिंग दे दी है। अब हमें इसको अपने जो स्लीव का बॉटम है उसमें सिलाई कर देनी है। चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्लीव का फ्रंट साइड है, तो हमें इस तरीके से इसको रख कर और अभी सिलाई लगानी है। तो मैंने वैसे धागा चेंज कर दिया है, येलो कलर का ही धागा मैंने ले लिया है। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई। तो ये देखिए, अब इस तरीके से हम पलटेंगे इसको, और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे येलो कपड़े के ऊपर। तो फ्रेंड्स, पूरी रेडी है हमारी स्लीव डिज़ाइन। अब कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इस तरीके से
साइड की सिलाई लगा के और अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।